ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बरवक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मेघना अरोड़ा और आप सब देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद अमीन। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये हफ्ता एंड हुआ है तो उसके बारे में मार्केट की अपडेट्स लेंगे, उसके अलावा जो नेक्स्ट वीक में मार्केट की क्या पोजीशन होगी वो भी मैं सर अमीन से पूछूंगी, उसके अलावा एक दो कंपनी पे डिस्कशन भी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, आप मुझे बताएं कि ये जो टोटल वीक रहा है मंडे टू फ्राइडे, तो मार्केट की क्या पोजीशन थी? पिछले हफ्ते मार्केट ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, कुछ आइटम के अपर लोग भी लगे, कुछ आइटम के नए हाई भी आए और कुछ आइटम के डाउन भी लगे। मार्केट की जो मेन जो बिगेस्ट प्लेयर बिगेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की, उसमें डाउन फ्लो लगते गए, तो उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ गया था। और ये कि अब जो सेनेट के अंदर जो स्टेट बैंक का जो बजट बिल पास हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर तेज़ी आई थी जो सेकेंड हाफ के अंदर फ्राइडे को। और इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ने वाली है, इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर आ गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से। और तीसरा है कि कंपनी जो बिगेस्ट लार्जेस्ट कंपनी है सीमेंट सेक्टर की, इनकी परफॉर्मेंस और इनकी अर्निंग बहुत अच्छी है, मगर ये इनका डिविडेंड नहीं लाया, तो ये सरमाकारों को मतलब ये कि मायूस हुई, तो इन सेक्टर में सेलिंग आ गई। और अब ये कि जो मंडे से इंशाल्लाह जो ये अगर पेट्रोल की कीमत है, ये भी एक फिगर आ गई है मार्केट ने, इसकी खबर को मार्केट के दौरान आ गई है, तो इसमें इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट के दौरान ना आती तो इसको असर पड़ता। दूसरी ये कि जो फरवरी के अंदर इसकी बाइंग आने वाली है फॉरेनर की फ्रंट मार्केट की, ये भी न्यूज़ है। और दूसरा के अनाउंसमेंट की जो रिज़ल्ट की सीज़न है वो भी आने वाला है फरवरी से, नए रिज़ल्ट के बारे में और अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, खास करके बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर और पावर सेक्टर के बारे में, जिनके सर्कुलर डेट की पेमेंट मिलेगी उन कंपनी में डिविडेंड आएगा, जैसे OGDC है, PPL है, पाको है और ये कैपको है, इनमें अच्छे डिविडेंड की उम्मीद की जा रही है। और दूसरा है कि बैंकों के प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है और बैंकों ने अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, उनकी दिसंबर क्लोजिंग में बहुत अच्छे इनके फिगर आने वाले हैं और इनका डिविडेंड भी आने वाला है, तो इन सेक्टरों में तेज़ी होगी। दूसरा कि हमारे जो IMF की जो हमारी गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है, तकरीबन सारे मरहले हल हो गए हैं, तो इनकी IMF की किस्त भी आ जाएगी, तो मार्केट के अंदर एक नया ग्रोथ आ जाएगा, नई बैंक आ जाएगी, डॉलर के ऊपर सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि डॉलर अभी तो रुका हुआ है कि लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं कि डॉलर बढ़ेगा, मगर इनको अगर डॉलर गिरना शुरू होगा तो इनको अपनी इनकी भी सेलिंग आ जाएगी, तो वो जो एक लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो फंड वगैरह है जो कैश मनी मार्केट फंड है वो डॉलर के अंदर और ट्रेजरी बिल के अंदर काम करते हैं। जब ये स्टॉक में इनको रिटर्न नज़र आएगा तो ये सारी चीज़ें छोड़ के स्टॉक की तरफ आएगी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही तकरीबन 60% डिस्काउंट रेट चल रही है। आप पिछले साल और इस साल के जो आप कंपेयर कर ले तो आपको काफ़ी नज़र आइटम के काफ़ी आइटम 100-100, 200-200 रुपये और जो छोटी आइटम 20-20, 30-30 रुपये कम है, तो इनमें काफ़ी जगह मौजूद है, तो हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो इसमें एंट्री करेंगे। और दूसरा है कि हमारे जो फंड है इन फंड मैनेजमेंट है वो मार्केट में अंदर वॉल्यूम नहीं करते, तो SECB को मैं एक गुजारिश करता हूँ कि इनको कहे कि अपनी वॉल्यूम कराए बाजार के कोई मार्केट का कोई फंडर वॉल्यूम कराए, जो लार्जेस्ट ब्रोकर का जो एक एजेंट होता है वही वॉल्यूम करा रहा होता है, बाकी तो कोई वॉल्यूम नहीं कराता। तो SECB को चाहिए कि इन म्यूचुअल फंड और अपने जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस है बोले इन सेक्टर को कहे कि अपनी कंपनी होल्डिंग करें और उसमें वॉल्यूम कराएं, और जो कंपनी के अंदर वॉल्यूम नहीं होता उसके पे भी कानून बनाए कि कम से कम साल में 10-15% हर कंपनी के अंदर वॉल्यूम होना चाहिए, अगर वॉल्यूम नहीं होता तो उसको बाईबैक कर ले। और ये हुकूमत ये
अगर हुकूमत को रेवेन्यू की ज़रूरत है तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा सेक्टर है, वहाँ से आपका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि आप बिजली बढ़ाते जा रहे, आटा की कीमत बढ़ाते जाएंगे, चीनी बढ़ाते जाएंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते जाएंगे, मगर इतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना स्टॉक एक्सचेंज से आपको रेवेन्यू मिल सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, जितना वॉल्यूम होता है इतना FAD मिलता है, विद होल्डिंग मिलता है, गेन टैक्स मिलता है। तो इन सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कराएं तो आपको इन यूटिलिटी से ज़्यादा आपको यहाँ से आपको रेवेन्यू मिल सकता है। तो इन सेक्टर पे तवज्जो दें, और जो महंगे स्टॉक आए, जो महंगे IPO आते हैं, उसको रुकवा के फेस वैल्यू पे 10 रुपये की वैल्यू पे लाएं, ताकि नए इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन हो। वैसे भी जितने महंगे IPO आते हैं वो अपने कॉस्ट को बरकरार नहीं रख सकते, अपने रेट को मेंटेन नहीं कर सकते, थोड़े दिनों के बाद ही वो अंडर कॉस्ट हो जाते हैं। 40 में आते हैं तो 20-30 रुपये में ट्रेड होता है, 80 में आता है तो 60-70 रुपये होता है, अगर 10 रुपये से आएगा तो 30-40 में होगा, तो लोगों को फ़ायदा भी होगा, लोग नए लोग भी इंटर होंगे और नए इन्वेस्टमेंट आएगी, और हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहीं से इन हो जाए, क्योंकि यहाँ के रिटर्न अच्छा होगा। मगर यह कि हुकूमत इस सेक्टर पर तवज्जो दें, यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू मिल सकता है। सर, उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि अभी IMF की क्या मीन्स अभी इनकी कब होगी मीटिंग? IMF की हमारी जो मीटिंग के तकरीबन IMF की कंडीशन है तकरीबन पूरी हो चुकी है। जैसे IMF की किस्त बाल हो जाएगी, हमारे यहाँ रिफाइनरी की पॉलिसी खड़ी हुई है, ऑटो की पॉलिसी खड़ी हुई है, वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो इन सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आ जाएगा। वैसे भी अब रिफाइनरी के काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है, उनकी पॉलिसी हर हफ्ते डिले होती जा रही है, कुछ वजूहत है, और जो IMF का जो मसला सोल्व हो जाएगा इसके बाद हमारी रिफाइनरी की पॉलिसी फ़ौरन आ जाएगी, तो इन सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आएगा। और जो पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है फर्नेस ऑयल और Euro 5 वगैरह, वो यही पाकिस्तान के अंदर बनेगा, तो पाकिस्तान के ज़रिए मबादले के ज़खायरे बचेंगे, तो इन सेक्टर में मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी और इन सेक्टर में काफ़ी मतलब ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में कुछ सेक्टर, सीमेंट सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, पावर सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, इनमें इन्वेस्टमेंट करें, कम से कम 3 महीने की सोच के करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा यहाँ से गेन नज़र आएगा, गेन नज़र भी आ रहा है और गेन भी होगा। और सर, उसके अलावा थोड़ा टेलीकार्ड का भी बताइएगा, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि 2 दिन पहले तो आप इतने मीन्स हमारी तरफ से नहीं लेकिन किसी और की तरफ से ग्रुप में ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी कि टेलीकार्ड लें, लेकिन अभी जो लोग पूछ रहे हैं कि अभी आप क्यों टेलीकार्ड के लिए मना करें। अब स्टार्टिंग से ही मैंने आपको यही कहा है कि टेलीकार्ड की जो फाइनेंशियल पोजीशन है चलें वो तो ठीक है, उनका जो लॉस है वो भी रिकवर करें, इनका लोन पेमेंट भी हो रही है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि इनकी 96% इनका फ्री फ्लोट मार्केट में है, तो इसके लिए शेयर जो है वो रिस्की है। अगर आपको अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम आप 20% इसके जो शेयर्स हैं वो जो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन मीन्स मैं आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। टेलीकार्ड तो एक है कि मार्केट की वॉल्यूम वाली कंपनी है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो लोगों को इसमें ट्रेड करने में मज़ा आती है, और कुछ वक्ती तौर पे कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, लोग मतलब एक किस्म की खुशी भी होती है। मगर ये शेयर में अगर सुपर नेट का जो है कि IPO आने वाला है, इनका आवारा कंपनी से हो गया है, जब इनका IPO आएगा तो इसमें कुछ गेम होगी। अब ये इसने अनाउंसमेंट किया है, वहाँ से 1.5 रुपये की रैली बन चुकी है, अब यहाँ से इस रेट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जब तक कोई नई न्यूज़ नहीं आएगी, तो कोई नई न्यूज़ आए तो फिर इसमें आप बिल्कुल एंटर हो जाए। अभी कोई न्यूज़ खड़ी नहीं हुई इसके अंदर, और आप देख रहे जैसे एक न्यूज़ आ गई थी वहाँ से वो रेट तो बढ़ गया, फिर इस रेट को मेंटेन करना मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर लोगों की सेलिंग भी आ जाती है, लोग प्रॉफिट भी करते हैं, या फिर लोग लॉस भी करके निकल जाते हैं, कुछ अच्छी आइटम नज़र आती है, या लोग थक जाते हैं कि यार अभी बाजार मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं हो रहे और ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं मार्केट गिर जाए तो फिर दोबारा खरीद लेंगे, तो अब जो कोई अच्छी न्यूज़ आए तो फिर दोबारा एंटर हो जाए टेलीकार्ड के अंदर। हाँ, और वैसे भी जब मार्केट में मंदी आ जाती है तो सबसे पहले तो इन कंपनीज के जो शेयर है वो कम हो जाते हैं, इनकी मार्केट शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो सर, अभी आप लास्ट में कुछ ऐसी कंपनीज बताएं, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लास्ट वीडियो के लास्ट में आप कुछ कंपनीज बताएं जिसमें हम बाइंग करें, तो इस वक्त रिसेंटली आप कौन सी कंपनी सजेस्ट करेंगे? रिसेंटली तो मैं आपको सेक्टर वाइज बता सकता हूँ कि पावर सेक्टर बहुत अच्छा है, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, स्टील सेक्टर बहुत अच्छा है, और इन और अपने कम्युनिकेशन का सेक्टर भी बहुत अच्छा है। इन 4 सेक्टर में अपनी आइटम अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इन 4 आइटम में 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के और 500 तक के दरमियान की इसके भी हैं, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट शूट करती हो उसके आप 50% इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आगे भी कुछ बजट का और दूसरा मिनी बजट का असर इतने खास आए नहीं है। जब IMF की लोन कंफर्म हो जाएगी तो मार्केट के अंदर रैली बनेगी, अब ये कि डिले पे डिले होती जा रही है, तो ये एक वो ऐसी मतलब
कंफ्यूजिंग वाली बात है कि बाजार को फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, उसके अलावा ये जो कमोडिटी की प्राइसेस अप एंड डाउन होती है या इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो भी पूछते रहते हैं, क्योंकि जब भी आप न्यूज़ में देखते होंगे कह रहे होंगे कि मार्केट जो मार्केट है उसमें वो मार्केट में मंदी आ गई है, रीज़न ये है कि डॉलर का प्राइस कम हो गया, इस कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, ये प्राइस इसका बढ़ गया, तो इन चीज़ों का इस मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो इस टाइम भी मैंने इस पर एक वीडियो भी आज मैं अपलोड करूंगी या कल उसकी वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह, तो आप वो वीडियो देखिएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर को और जो न्यू इन्वेस्टर हैं तो उसको यहाँ से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अभी ये कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मार्केट पर असर आएगी, हालांकि जो स्टेट बैंक का जो बजट पास हुआ था मार्केट ने वहाँ से अच्छी रैली बनी थी, मगर जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर आ गई, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन के फिगर बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से तो मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर आ गया। फिर इसके बाद कोई एक सीमेंट कंपनी का डिविडेंड नहीं आया तो इसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर आ गया। अब ये कि ये चीज़ें को नेगेटिव ये सारी आ रही है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल कीमत कम हो जाती है तो हमारी मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और डॉलर पर भी जो प्रेशर वो भी कम हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर ये वीडियोस मिस ना हो जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।